हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बिहार में महागठबंधन वाली नई सरकार को बने 10 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार का नाता विवादों से जुड़ गया है। पहले कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के शपथ ग्रहण को लेकर हंगामा हुआ, अब मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के भाई और महागठबंधन सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव विवादों से घिर गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी कोरोना जांच में संक्रमित पाए गए हैं। उनके बेटे मनीष खंडूड़ी ने इसकी पुष्टि की है। बृहस्पतिवार को थकावट और कमजोरी की शिकायत के बाद उन्हें उपचार के लिए लाया गया था। चिकित्सकों ने विभिन्न पैथोलॉजी जांच के साथ उनकी कोरोना जांच कराई। शासन ने लखनऊ विकास प्राधिकरण का नाम बदलने का फैसला किया है। इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण का सीमा विस्तार भी किया जाएगा। सीमा विस्तार के बाद नाम बदलकर लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण होगा। लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे के पास स्थित ऑक्सीजन प्लांट में बृहस्पतिवार की रात 10 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से एक एक कर 5 सिलेंडर फट गए। आग की लपटों और ब्लास्ट की आवाजों से स्थानीय लोग घरों से बाहर निकल आए। कार्यकर्ताओं ने गेट के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कुछ दिन पहले इलाके की रहने वाली एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी, जिसके बाद उसको पुलिस ने बरामद कर दिया था। परिजनों ने विशेष समुदाय के युवकों पर अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया था। अपनी कॉमेडी से फैंस को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाले भारती सिंह इन दिनों अपने परिवार को भरपूर समय दे रही हैं। भारती सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, अक्सर फैंस के साथ अपनी और फैमिली की तस्वीरें और वीडियो साझा करती रहती हैं। हाल ही में भारती ने अपने बेटे का एक क्यूट वीडियो साझा किया है, जो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ। मैच से पहले जब टीमें राष्ट्रगान के लिए लाइन अप हुई, उसी वक्त कप्तान राहुल ने मुंह से च्युइंग गम निकाल के फेंक दिया। उन्होंने ऐसा राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए किया। इसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग राहुल की खूब तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें भारतीय कप्तान पर गर्व है। देश में बीते 24 घंटे में 15,754 नए कोरोना संक्रमित मिले। हालांकि इस दौरान इससे कुछ कम मरीज महामारी से उबर गए हैं। चिंताजनक बात, दिल्ली में मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। भारत में UPI से भुगतान अब कोई नई बात नहीं। UPI ने न केवल डिजिटल रूप से पैसे के लेन देन को आसान बना दिया, बल्कि यह कई मामलों में लोगों के लिए व्यापार के बेहतरीन अवसर भी मुहैया करा रहा। अब तक देश में UPI से भुगतान पर कोई चार्ज नहीं वसूला जाता था, हालांकि अब रिजर्व बैंक UPI से भुगतान पर चार्ज वसूलने के संकेत दे रहा है। मनीष सिसोदिया के घर पर CBI ने छापा मारा, इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।